हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ऑफिशियल नोटिस है, उसके बावजूद एक कॉलेज की नोटिस है। वो नोटिस आप सभी बच्चों के कॉलेज से आई होगी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि B2P और UP स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर किए रहेंगे। देखिए, मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए इसलिए कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर मैं अगर यूट्यूब पर 3 से अधिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो और आपने बेल आइकन ऑन भी किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, वो जानकारी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर वो जानकारी लिमिटेड समय के लिए, मान लीजिए हो सकता है 1 दिन 2 दिन के लिए हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा नहीं। हो सकता है 3 दिन 4 दिन बाद आपके पास वो वीडियो पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम पर ज्वाइन रहेंगे तो वहां पर हर एक प्रकार के एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह और सारी जानकारी, हर तरह की जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको जो कॉलेज से नोटिस आई है स्कॉलरशिप के रिकॉर्डिंग, उसको पहले दिखा दूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे सभी बच्चों तक। ठीक है, यहां पर देखिए आवश्यक सूचना हमारे कॉलेज की नोटिस है। ये नोटिस आप सभी बच्चों के कॉलेज से जरूर आई होगी। इस संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक बछनावा या फिर जो भी कॉलेज है, सत्र 2022-23 में 9 प्रवेशित अध्ययनरत द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं को, यानी कि जो नए प्रवेशित नए एडमिशन लिए हैं उनके लिए भी है, और द्वितीय वर्ष और फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष सभी छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, सूचित किया जाता है कि जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, ऐसे छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट जो up.scholarship.gov.in है, मतलब कि जो स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर के सारी चीजों को ऑनलाइन आवेदन पत्र 7/11 यानी कि 7 नवंबर तक, 7/11/22 तक भर सकते हैं। द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं आप छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को नवीनीकरण करके ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट समस्त संलग्न सहित कार्यालय में दिनांक 7/11/22 तक जमा कर दे, यानी कि 7 तारीख तक आपको रिन्यूअल वाले स्टूडेंट है उनको जमा भी कर देना है, जिससे कि समय से आवेदन पत्र अग्रसारित किया जा सके। अन्यथा किसी भी स्थिति में छात्र के स्वयं जिम्मेदारी होगी। 9 प्रवेशित के सभी छात्र छात्राओं का बैंक खाता इस जिले में होना अनिवार्य है। देखिए, जो नए बच्चे हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे इस बार एडमिशन लिए हैं उनके लिए है कि इस जिले में, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको कॉलेज मिला हो जिस भी जिले में, वहाँ आपका बैंक खाता होना चाहिए उस जिले में। ठीक है, अगर नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं या फिर आप कॉलेज वाले से बात करेंगे, कॉलेज वाले भी खुलवाते हैं अपने कॉलेज से। ठीक है, अनिवार्य है। एवं राजकीय पॉलिटेक्निक यानी कि जो मेरे कॉलेज की बात है, कि छात्र रायबरेली जिले में खाता खुलवाकर छात्रवृत्ति आवेदन करके छात्रलिपि के पास जमा करें, जिससे कि समय से आवेदन पत्र अग्रसारित किया जा सके। यानी कि जो अगर हमारे कॉलेज की नोटिस है तो हमारे जिले में कहा जा रहा है कि हाँ, आप यहाँ पढ़े हैं तो यहाँ खुलवाइए बैंक अकाउंट। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका भी जहाँ भी कॉलेज होगा, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो वहाँ उस जिले में आपको अपना खाता यानी बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी है। क्या क्या चीज़ें जमा करनी है, यहाँ देखिए, आय प्रमाण पत्र एवं इंटरनेट की प्रति, उसके बाद से जाति प्रमाण पत्र इंटरनेट की प्रति, और उसके बाद से हाई स्कूल की अंक तालिका, स्व प्रमाणित पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक प्रथम विवरण पेज की छायाप्रति, पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क जमा रसीद की छायाप्रति, फोटोकॉपी कर लीजिए, आधार कार्ड की छायाप्रति, इतनी चीज़ें जमा करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जो ऑफिशियल नोटिस है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सभी बच्चे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन लेंगे और आज शाम को, यानी कि आज शाम को, मैं पहले फर्स्ट ईयर का रिन्यूअल का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फाइनल लॉक करने से पहले, वीडियो को जरूर देख लेंगे क्या क्या आपने, हो सकता है कुछ गलतियां की हों, जैसे कि बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के फर्स्ट ईयर के, खास करके बात करें तो सारी चीज़ों को देख जरूर लेंगे। आज शाम को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा फर्स्ट ईयर के स्कॉलरशिप कैसे भरे। अगर मान लीजिए कि आप साइबर कैफे से भी भरवा रहे हैं तो आपको एक बार क्या करता है, प्रिंट निकाल करके देता है कि हाँ, इसको देख लीजिए, कोई अगर डाटा गलत हो तो उसका मिलान करके आप हमें बताइए। तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा उसी तरीके से कि क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करानी है अगर फर्स्ट ईयर में आपका कुछ डाटा गलत है तो। और सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखा है, वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ऑफिशियल नोटिस है ये, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए विषय की बात करें और दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। महोदय और महोदया, 17/22/23 में, यहाँ देखिए विषय में, 17/22/23 में रिक्त सीटों पर प्रवेश बढ़ाए जाने के संबंध में, यानी कि आपकी पॉलिटेक्निक में, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, चाहे एडेड की, चाहे प्राइवेट की, बहुत सारी सीटें खाली है। और यहाँ देखिए गवर्नमेंट में कितनी सीटें खाली हैं, 30%। यहाँ देखिए 5वें चरण की समाप्ति के उपरांत राजकीय संस्थानों के कतिपय पाठ्यक्रमों में, यानी कि कई ब्रांचों में, लगभग 30% सीटें रिक्त रह गई हैं, खाली रह गई हैं। इसमें भरने के लिए सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। और देखिए गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपका, यहाँ देखिए सूची है कि राजकीय संस्थाओं में केवल प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं, यानी कि अगर आपने जेई कप का एग्जाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तभी आप केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले पाएंगे। अदरवाइज प्राइवेट में और एडेड में आप डायरेक्टली भी बिना एग्जाम दिए ही, एंट्रेंस एग्जाम दिए भी एडमिशन ले सकते हैं। आप देखिए अनुरोध भी किया गया है, सभी छात्र छात्राओं से भी अनुरोध किया गया है। यहाँ देखिए साथ ही संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी पाठ्यक्रमवार रिक्त सीटों की संख्या एवं प्रवेश की
प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक रिक्त सीटों को काउंसलिंग के अगले चरण में भरा जा सके। यानी कि स्टूडेंट से भी कहा जा रहा है, जैसे कि आपके कॉलेज से डाटा आ जाएगा कि हाँ इस ब्रांच में अपने कॉलेज में, मतलब कि आपका कोई कॉलेज हो गया तो आपके कॉलेज में इस ब्रांच में इतनी सीटें खाली हैं, तो अगर आपके पास भी नॉलेज रहेगा, आपके पास भी उसके बारे में जानकारी रहेगी, तो जो स्टूडेंट्स होंगे एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो जो एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे जिनका नंबर कम भी होगा उनको भी आप बता देंगे कि हाँ आप यहाँ पे सीट खाली है, यहाँ पे ले सकते हैं। अगर प्राइवेट और एडेड की बात करें तो वो भी आपके पास, मान लीजिए आप जिस भी कॉलेज से होंगे प्राइवेट और एडेड की, तो वहाँ पे भी आपको सूचना दे दी जाएगी कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, आप अपने दोस्तों को या फिर अपने परिचित भाइयों बहनों को जिनको भी पॉलिटेक्निक कराना चाहते होंगे तो सीटें खाली है, यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग या ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहेंगे। आज शाम को फर्स्ट ईयर के, खास करके सेकेंड ईयर यानी कि रिन्यूअल के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फर्स्ट ईयर का वीडियो आप आज शाम को आप सभी बच्चों को मिल जाएगा, कैसे कैसे भरना है। अगर आप साइबर कैफे से भी करा रहे हैं तो ठीक है, जो आपका प्रिंट निकल के आता है उसमें क्या क्या गड़बड़ी होती है उसको देखने के लिए शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें सारी जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।